नमस्कार, मैं सुप्रीत कुमार, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 12/11/2024 है। अगले 24 घंटों के मौसम का अवलोकन करें तो तमिलनाडु में भारी वर्षा की प्राप्ति हुई है। पेरिंगुडी चेन्नई में 8 सेंटीमीटर वर्षा मिली है। अगर हम कोहरे की स्थिति देखी तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की सूचना मिली है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भी घने कोहरे की सूचना मिली है और कुछ स्टेशनों ने 50 मीटर से कम दृश्यता बतलाई है, जिसमें हरियाणा में सिरसा, उत्तर प्रदेश में बरेली, गोरखपुर शामिल हैं और हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर, मंडी शामिल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। जम्मू कश्मीर, उत्तर हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के और उत्तर पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर बना हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत के शेष हिस्सों में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तापमान बना हुआ है। बिहार, झारखंड, गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों और उत्तर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और निकटवर्ती मध्य भारत के अलग अलग हिस्सों में और देश के शेष हिस्सों में सामान्य के करीब तापमान बना रहा है। और आज का न्यूनतम तापमान देश के मैदानी इलाकों में जो अजमेर में दर्ज किया गया 12.4 डिग्री सेंटीग्रेड। आज के मौसम के मुख्य बिंदु पर ध्यान दें तो उत्तर तमिलनाडु और इससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के दक्षिण पश्चिम और निकटवर्ती पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव में तमिलनाडु में 16 तारीख तक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 14 तारीख तक, केरल में 13 से 17 नवंबर के दौरान और दक्षिण आंतरी कर्नाटका में 13 से 15 नवंबर के दौरान अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 14 नवंबर 2024 से एक ताज़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो जैसा कि पहले बताया गया है, उत्तरी तमिलनाडु और इससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी और उससे सटे हुए पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे जो संबंधित चक्रवाती परिसंचरण है वो ऊपर 4.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका झुकाव दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। और दूसरा चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व अरब सागर और निकटवर्ती केरल तट पर स्थित है और जो कि समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। और जैसा कि पहले बताया गया है, 14 नवंबर से एक फ्रेश या ताज़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। तापमान का पूर्वानुमान अगर देखें तो अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें तो पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की संभावना है और उसके बाद 4 दिनों तक लगभग धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। अब हम आगे 7 दिनों तक की मौसम चेतावनियों पर ध्यान देंगे। आज पहला दिन जो कि 12 नवंबर है, उसके लिए भारी वर्षा की जो चेतावनी दी गई है वो तटीय दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और रायलसीमा में दी गई है। और अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरे की चेतावनी की दी गई है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तराई के क्षेत्र जो हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें फॉग की चेतावनी दी गई है। कल के लिए देखें 13 नवंबर के लिए तो भारी वर्षा की चेतावनी है वो तटीय आंध्र प्रदेश में दी गई है, उसके साथ साथ तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा और केरला में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। एक दो जगह पर भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा अगर कोहरे की बात करें तो कोहरा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और तराई के क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में, उसमें कोहरे की चेतावनी दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें 14 नवंबर की तो उसमें भारी वर्षा की चेतावनी है वो आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंतरिक दक्षिणी कर्नाटका और केरला में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा कोहरे की चेतावनी है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तराई के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे फॉग की वार्निंग दी गई है, कोहरे की वार्निंग दी गई है। अगर चौथे दिन की बात करें 15 नवंबर की तो जो भारी वर्षा है वो तमिलनाडु, केरला और आंतरिक दक्षिण कर्नाटका में होने की संभावना है और उसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना बताई गई है।
उसके अलावा कोहरे की बात करें तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कोहरे की चेतावनी दी गई है। अगर पाँचवें दिन की बात करें तो तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है और हिमाचल प्रदेश में कोहरे की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम छठे दिन की बात करें तो केरला में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है और सातवें दिन जो कि 18 नवंबर है उसमें कोई चेतावनी नहीं दी गई है। धन्यवाद। मौसम की निरंतर और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ट्विटर फेसबुक यूट्यूब उस पर भी जुड़ सकते हैं और मौसम की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।